क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया? बोला गया है कि ए अरेंज टू पे अ डेप्थ ऑफ 4,800 रुपीज इन 12 मंथ, यानी कि एस 24 का वैल्यू दिया हुआ है 4,800। अब क्या बोला है कि विच आर इन एपी आफ्टर 20 इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये जो फॉर्म होगा वो किस पे होगा, एपी के फॉर्म में होगा, और 20 इंस्टॉलमेंट दे देने के बाद, 20 इंस्टॉलमेंट दे देने के बाद बिकम्स इनसॉल्वेंट एंड हिज क्रेडिटर फाइंड दैट 1200 स्टिल अनपेड, यानी कि 20 इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसके पास पैसा नहीं बचा, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब पैसा खत्म हो गया। अब क्या, तो जब जिससे वो क्रेडिट में जिससे पैसा लिया था, तो वो देखता है कि अभी भी उसका कितना बचा हुआ है, 1200 रुपया पेंडिंग है अभी भी, यानी कि 4800 रुपए का लोन था, इसका मतलब है कि ये कितना पैसा दे दिया होगा, 3600 रुपया पैसा ये दे दिया होगा, 3600 रुपया दे चुका है, यानी कि एस 20 का वैल्यू कितना होगा, 3600 होगा, और एक एस 24 दिया हुआ है 4800, तो इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। अब लिखते हैं फ्रॉम 1, 1 में क्या लिखा होता है, S24 इज इक्वल टू 4800, ठीक है। अब क्या करेंगे, S24 यानी कि 24 by 2, इसमें सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, SN इक्वल टू N by 2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। S24 इज इक्वल टू S24 का वैल्यू लिख रहे हैं यहां पे, N by 2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 4800, ये 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800 इक्वल टू 12 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस 23D, ये 12 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 400 इज इक्वल टू 2A प्लस 23D, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम 2, 2 में क्या था, ये था S20, यानी कि S20 का क्या हो जाएगा, 20 by 2 विदिन ब्रैकेट 2A प्लस 19D, और S20 का वैल्यू कितना है, 3600, ये 2 से काटेंगे 10 होगा, 00 काट दिए, 360 इज इक्वल टू 2A प्लस 19D, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अब इस दोनों को अगर हम पकड़ेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 के साथ, तो इक्वेशन 3 को लिख देते हैं 400 इज इक्वल टू 2A प्लस 23D, और ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 2A प्लस 19D। अब माइनस कर देंगे इसको, तो ये कैंसल हो गया, यहां से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4D, यहां से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 40। तो अब हम लोग बोल सकते हैं 4 से ये 10 बार में कैंसल हो जाएगा, तो D का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 10। अगर D 10 है तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम 3, यानी कि 3 क्या था, 400 इज इक्वल टू 2A प्लस 23D, यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 2A और 23 इंटू 10 कर देंगे, ये हो जाएगा 2A प्लस 230 400, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, 2400 230 इज इक्वल टू 2A हो जाएगा, 2A इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 170, 170 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 170 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना होगा, 2 8 16, 2 5 10, यानी कि 85 इज इक्वल टू A, ये A का वैल्यू आ गया 85। तो हम लोगों को क्या बोला गया था इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 6 नंबर है, बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट, पहला 4 इंस्टॉलमेंट, तो पहला इंस्टॉलमेंट तो पता चल गया, डी भी हम लोग को पता है, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट 85, दूसरा इंस्टॉलमेंट 95, तीसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 10 और ऐड कर देंगे 105 और 115, यानी कि इस तरह का इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6।